सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर हम करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल था कि यार एंड्रॉइड में आपका फेवरेट यूआई कौन सा है। तो बोला है आप में से मेजॉरिटी 50% से तो लोगों ने कि आपको भैया चाहिए स्टॉक एंड्रॉइड, और ऐसे में फिर बाकी तो वोट्स हो काफी कम कम से ही मिले हैं। आज का सवाल कुछ ऐसा है कि भैया एलॉन मस्क जो है वो ट्विटर खरीद चुके हैं, तो मतलब क्या आप इससे खुश हैं या आपको लगता है कि नहीं यार ये तो प्रॉब्लम हो गई है। मतलब बताना आपका क्या है जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। उसमें बात करते हैं सबसे पहले नोकिया 105 प्लस और नोकिया 105 को लेके। यहाँ पे दोस्तों इंडिया में ये फ़ोन आ चुके हैं, जहाँ भैया मतलब सोचो ना, पहले तो हाई एंड वाले फ़ोन्स में प्लस प्रो वगैरह, अभी बटन वाले बेसिक फोन की तरफ भी आ गया 105 प्लस, क्योंकि इसमें है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। गूगल कॉल रिकॉर्डिंग को बैन करने की बात कर रहा है ऐप्स हो गए थर्ड पार्टी में। यहाँ पे तो बजट फोन की तरफ भी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल चीज बनाई है नोकिया ने। 1300-1400 रुपए की कीमत के फोन है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में वैसे पोको M4 5G की जो इंडिया में लॉन्च डेट है दोस्तों, पोको M4 5G वो आ चुकी है सामने 29 अप्रैल। देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या हमको इस फोन के अंदर स्पेक्स वगैरह मिल जाती हैं और किस कीमत पे पोको इसको इंडिया में लॉन्च करता है। यहाँ पे यार अभी वन प्लस का एक फोन वन प्लस 10 प्रो जैसा डिजाइन दिखने वाला जो है वो दोस्तों लीक हुआ है अभी। तो एग्जैक्टली ये कौन सा फोन होगा, क्या स्पेक्स होंगी, क्या रहेगा पूरा सीन, यार वो तो खैर अभी हमको टाइम ही बताएगा। लगता है कि वन प्लस के बजट फोन अभी बहुत ज्यादा हमको दिखने को मिलेंगे जरूर जरूर, ऐसा मतलब एक के बाद एक नए नए मार्केट में। अगली खबर निकल के आती है यहाँ पे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को लेके, जहाँ भैया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है प्रोटॉन एक्सेलरेशन को लेके। यहाँ पे दोस्तों अभी रिसेंटली इसको रिस्टार्ट किया गया था, बीच में मेंटेनेंस के लिए बंद था, और यहाँ पे जो LHC है ये दोस्तों जो सर्न में है बेसिकली जिनेवा के पास में, तो रिसर्च चलती रहती है भैया, और ज़मीन के नीचे काफ़ी ज़्यादा ऐसे हाईटेक हाई एंड काम होता रहता है। यहाँ पे हमारे पास में दोस्तों अभी बोस की स्मार्ट साउंड बार 900 आ गई है डॉल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ में इंडिया में, और यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस है इसकी वो है सिर्फ 1,04,900 रुपये। बोस के नाम पे साउंड बार के नाम पे तो इतना तो देना खैर बनता ही है। हमारे पास में यार यहाँ पे अभी जो दोस्तों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जो है, उन्होंने अभी इनवाइट किया है US के जो सेमीकंडक्टर प्लेयर्स हैं उनको कि आप इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करो। अब देखते हैं कि इंडिया में कौन आता है, कब आता है, कैसे आता है, और किस तरीके से हम देख पाते हैं इंडिया में एक्चुअल में चिप मैन्युफैक्चरिंग को एग्जीक्यूट होते हुए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो मज़ा बहुत बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पे वैसे अगला अपडेट निकल के आता है नोकिया के कम्फर्ट ईयरबड्स गो ईयरबड्स प्लस को लेके। यहाँ पर दोस्तों दो अलग अलग जो है ये ईयरबड्स नोकिया लेके आ गए हैं, TWS हैं, जहाँ पे प्राइस जो है वो है 1999 और 2799। बेसिकली मार्केट में इतने सारे TWS हो गए ना, इतने सारे ब्रांड्स के, इतने सारे मॉडल्स, इतने सारा सब कुछ ऑप्शंस ही ऑप्शंस, और लगभग हैं सबके सब मोर ओर लेस सेम ही सेम। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बन जाता है कि यार आखिर कौन सा वाला लिया जाए। हमारे पास में अभी गवर्नमेंट दोस्तों 16 और YouTube चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह स्प्रेड करने की वजह से। तो यहाँ पे अभी 16 में से जो हैं 10 इंडियन चैनल्स हैं और 6 जो हैं वो पाकिस्तान बेस्ड हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला यूट्यूब को, यूट्यूब ने बोला ठीक है एक मिनट में सीधा चैनल ब्लॉक, चैनल ख़त्म। तो ये अभी रिसेंटली काफ़ी गवर्नमेंट ने बैन किए हैं कुछ चैनल्स वगैरह, और अभी दोबारा लिस्ट में 16 नए नाम आ गए हैं। हमारे पास दोस्तों अभी LG ग्राम का जो 2022 वाला लाइनअप है ये आ गया है भैया, जहाँ पे लैपटॉप्स 2-in-1s वगैरह बहुत कुछ लॉन्च कर दिए हैं 12th Gen इंटेल प्रोसेसर्स के साथ में। और 12th Gen जो इंटेल प्रोसेसर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगेन एफिशिएंसी और को देखेंगे अगर हम, तो डेफिनेटली इंटेल ने एक लेवल अप काम किया है। वैसे हम तो भैया एप्पल के M चिप्स के दीवाने हैं। हमारे पास में अभी माइक्रोमैक्स इन 2C आ गया है ड्यूअल कैमराज के साथ में, 2099 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले है दोस्तों। जो प्राइस रखी है वो है 7499 की इंट्रोडक्टरी प्राइस, वैसे जो प्राइस है वो है 8499। एकदम ऐसा बजट फोन है आपके लिए, अनबॉक्सिंग प्लान करते हैं जल्दी और देखते हैं आखिर कि माइक्रोमैक्स ने क्या गुल खिलाया है। लेकिन
जब तक वो ऐसा प्रीमियम टेरिटरी में माइक्रोमैक्स नहीं जाएगा ना, तब तक मतलब मज़ा नहीं आएगा यार ऑनेस्टली। हमारे पास में अभी न्यू स्टेट मोबाइल जो है भैया, उसमें अभी नया आपको जो है वो कंटेंट मिलने वाला है। ऑटोमेटा और रेप्लिकेंट जो सीरीज़ हैं, कुछ कुछ यू नो कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब कुछ करके आपको अभी नए नए मज़े देने वाला है सीधा सीधा न्यू स्टेट। वैसे मज़े जो है वो BGMI भी देता रहता है, मज़े न्यू स्टेट भी देता रहता है, फौजी वाले जो है वो मज़े दे नहीं पा रहे हैं। फौजी ने बस एक ही बार मजा दिया था, उसके बाद से क्या कुछ चल रहा है अभी अपडेट वगैरह, क्या खेला है रिसेंटली फौजी, वैसे नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। हमारे पास में दोस्तों अभी प्ले स्टेशन प्लस जो है ये आ गई है भैया, PS प्लस डीलक्स एक्स्ट्रा और एसेंशियल, तीन दोस्तों अलग अलग प्लान्स आ गए इंडिया में, जहाँ पे जो प्राइस है वो शुरुआती है इसकी 499 पर मंथ और ये जाती है भैया 5749 जो PS प्लस डीलक्स के लिए है एनुअली, जो प्राइस है 5749 रुपये। तो अलग अलग प्लान्स हैं, आप यू नो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास में इलॉन मस्क जो है भैया, उन्होंने कंफर्म जो है वो हो चुकी है खबर ये कि एक्वायर कर लिया है ट्विटर को $44 बिलियन में, $54.2 पर शेयर के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे एक्विजिशन हो चुका है टोटल 44 बिलियन में। कम्प्लीटली प्राइवेट ओनरशिप हो गई है, अभी बस एक इंसान जो है समझ लो वो ओन करता है अभी ट्विटर को, तो बहुत बड़ी डील हुई है। आगे देखते हैं इसका कैसे हमको इसका नो रिजल्ट देखने को मिलता है और डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को अनबैन किया जाता है या नहीं। वैसे यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में वीवो का जो X80 प्रो है और X80 है ये आ गया है दोस्तों, जहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और डायमेंसिटी 9000 दो अलग अलग ऑप्शंस के साथ में आया है। और जो हमारे पास में भैया कैमरा वगैरह है उसमें डेफिनेटली काफ़ी तगड़े वाला ही काम किया है यू नो वीवो ने। अभी X80 प्रो प्लस भी खैर आना बाकी है, वो लगता है एकदम ही कुछ नेक्स्ट लेवल आने वाला है। देखते हैं इंडिया में ये फ़ोन्स कब तक वीवो ऑफिशियली लॉन्च करेगा। लास्ट खबर निकल के आती है दोस्तों यहाँ पे इसरो और IISc को लेकर, जहाँ पे दोस्तों इन्होंने डेवलप किया है बैक्टीरिया इन्फ्यूज्ड स्पेस ब्रिक्स। अब बेसिकली मार्स पे अगर हम कुछ बसाएंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए भी तो सामान चाहिए ना, तो यहाँ पे भैया मार्स पे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए स्पेस ब्रिक्स को डिज़ाइन किया गया है, तो ये चीज़ शायद मार्स में टिकेगी। से आज से 50, 60, 70, 100 साल बाद तो शायद ये चीज़ें हो जाएंगी ना, तब मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा अगर हम रहे इस दुनिया में। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।